हेलो स्टूडेंट्स, अब टिल नाउ जो लास्ट लेक्चर में हमने किया है कि भाई जो कन्वर्जन वाला सम था कि भाई केजी क्विंटल टू केजी किया था, केजी को कन्वर्ट किया था, ओके वो वन ऑफ द टफेस्ट सम था। ओके काफी लोग ने, आई कैन से दैट 90% लोगों ने काफी अच्छी तरीके से किया था। आई एम प्राउड ऑफ दैट कि अच्छा है, चलो आपने उतना तो हमारे लिए कर दिया। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो 5 मार्कर है उसके आगे जा रहे हैं, ठीक है। अभी इधर ध्यान देना, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं क्या टॉपिक है। देखो आपको क्वेश्चन में टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, ओके। सो दैट फॉर प्राइस इनटू क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। तो एक्सपेंडिचर, अभी देखो फॉर एग्जाम्पल प्राइस है 30 रुपीज और आपने 6 केजी लिया है, 6 केजी आपने लिया और 1 केजी की प्राइस कितनी है 30 रुपीज, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 180, तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ 180, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास क्वांटिटी नहीं है बट टोटल एक्सपेंडिचर है, साथ में प्राइस भी है, तो आपको क्या मिलेगा, क्वांटिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, तो क्वांटिटी इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 30, तो क्या हुआ 6, क्या मिला 6। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, टोटल एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी 200 प्राइस एक्सपेंडिचर है, प्राइस हमारे पास नहीं है पर क्वांटिटी दी गई है 10, क्वांटिटी दी गई है 10, तो प्राइस क्या हुआ हमारा 200/10, तो क्या मिला हमें 20, ओके। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, लास्ट ईयर पास है एंड फिशर इंडेक्स नंबर, ये तीनों तीन फाइंड करना रहेगा, या कोई भी फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है। फाइंड तो सेम की सेम चीज करनी है, बट आपको एक्सपेंडिचर देंगे साथ में प्राइस देंगे, तो मिसिंग क्या हुआ, क्या फाइंड करना है क्वांटिटी, ठीक है। एक्सपेंडिचर देंगे, क्वांटिटी देंगे, क्या फाइंड करना रहा प्राइस, ओके क्लियर, पता चला। एक सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, मैं सम करवाता हूं अभी आपको। चलो सम करते तो क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी कि क्या क्या सम में करना है और क्या दिया हुआ है हमें। ओके इलस्ट्रेशन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इधर, तो आपको पता चलेगा कि कैसे करना है हमें। आइटम दिया हुआ है हमें ए बी सी डी ई, अभी ऊपर बेस ईयर लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो क्वांटिटी कंजम्पशन, सी क्वेश्चन में क्या दिया है कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब हमारा क्या हुआ क्वांटिटी, याद रखना कंजम्पशन इज इक्वल टू क्वांटिटी, ठीक है, हमें क्वांटिटी दी गई है एंड साथ में टोटल एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है, मैं इधर टीई लिख रहा हूं मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, फिर करंट ईयर दिया है उसमें क्वांटिटी दी गई है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ओके क्या करना है वो समझा रहा हूं मैं अभी आपको। देखो इधर 50 केजी दिया हुआ है, 120 केजी और जो यूनिट देते ना वो निकाल दो, पीछे जो भी यूनिट देते ना वो निकाल दो, 120 30 25 2500 600 330 360 40, अभी इधर करंट ईयर में 60 140 20 15 5 4200 700 200 300 50, ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अभी इसको फाइंड क्या करना है हमें, फिशर इंडेक्स नंबर,
फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड फिशर इंडेक्स नंबर। क्लियर, फिशर इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। ओके चलो अभी कैसे करते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। आइटम लिखेंगे, ये हमारा आंसर है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, ए बी सी डी ई। बेस ईयर में हमें क्या दिया है, क्वांटिटी दी, कंजम्पशन मतलब क्वांटिटी, कंजम्पशन इज इक्वल टू क्वांटिटी, ये दिमाग में बिठा के रखोगे आप, कंजम्पशन इज इक्वल टू क्वांटिटी। ओके ना, कंजम्पशन मतलब क्यू जीरो, देखो कंजम्पशन ऑफ बेस ईयर बोला है, क्वेश्चन में मेंशन है बेस ईयर एंड करंट ईयर अलग से मेंशन है, तो ये क्या हो गया हमारा क्यू जीरो। याद रखना आपको जो पैटर्न में दिया हुआ है वही पैटर्न में इधर लिखोगे, डोंट चेंज एनीथिंग, कोई चेंज मत करना, दिमाग ज्यादा मत चलाना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके क्यू जीरो, अभी ये क्यू जीरो है हमारे पास, तो क्यू जीरो का देखेंगे तो क्या है, ये जो हमें क्यू जीरो दिया हुआ है वो एज इट इज लिखोगे, 50, 120, 30, 25। ओके फिर क्यू जीरो के बाद क्या आना चाहिए, पी जीरो, क्यू जीरो के बाद क्या आना चाहिए, पी जीरो। फिर क्यू वन दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू वन, तो वो लिख देंगे 60, 140, 20, 15, 5। ओके उसके बाद क्या आना चाहिए, पी वन। फिर तो जो चार टेबल है वो तो हम लोग बाद में करेंगे, अभी हमारे पास ये टोटल एक्सपेंडिचर को, सी इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल एक्सपेंडिचर, इट इज नॉट प्राइस, इट इज नॉट प्राइस। मैं वापस का वापस बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना कि ये टोटल एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस नहीं है, प्राइस हमें फाइंड करनी है इधर। ओके प्राइस नहीं दिया, टोटल एक्सपेंडिचर वर्ड आए जब भी टेबल में, कहां पे, टेबल में, तो वो प्राइस या क्वांटिटी नहीं है, जो मिसिंग है वो है। अगर क्वांटिटी दी है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है तो मिसिंग क्या है, प्राइस। अगर प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर दिया है तो मिसिंग क्या है, क्वांटिटी। ठीक है क्लियर, दिमाग में बिठा के रखना ये ना। 2500, ये 2500 है डिवाइडेड बाय 50, चलो कैलकुलेटर में कर ले, 2500 डिवाइडेड बाय 50, दैट इज 50। ओके 600 डिवाइडेड बाय 120, ये देखो क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी में प्राइस दिया होता तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय प्राइस, टोटल एक्सपेंडिचर तो ऊपर का ऊपर ही रहेगा, जो दिया है बाकी का वो डिविजन में जाएगा। ओके तो दैट इज 5। 330 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज 11। 360 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 18। 40 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 8। 4200 डिवाइडेड बाय 60, 70। 700 डिवाइडेड बाय 140, दैट इज 5। देखो मैं कॉन्सेप्ट को ही यूज कर रहा हूं लेकिन करंट ईयर आ गया, बस करना तो वही चीज है लेकिन करंट ईयर पे आ गया। 200 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 10। 300 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 20। 50 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 10। ओके फाइंड क्या करना है हमें, फिशर इंडेक्स नंबर, करना तो वही का वही कॉन्सेप्ट है फिशर इंडेक्स नंबर। ये पूरा सम आपको कंप्लीट करना है, मैं इसका फोटोग्राफ आपको भेजूंगा, कंप्लीट आपको करना है। ठीक है ये एक होमवर्क ये अभी हुआ। ओके मैं ये क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूं और नीचे क्या फाइंड करना है वो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। फाइंड फिशर इंडेक्स नंबर, ठीक है मैं इसका फोटोग्राफ ले रहा हूं, फिर हम लोग और एक सम करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो और एक सम कर लेते हैं,
चलो एक सम नंबर 6 है एक्सरसाइज 1.4 में 1.3 में सम नंबर 6 ओके उसमें हमें कैसे दिया है वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि 2014 प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ए बी सी डी ई ओके 2015 प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ओके हमें फाइंड क्या करना है फाइंड पार्शियल फिशर इंडेक्स नंबर वो मैं क्या करना है वो बाद में लिखते हैं चलो क्या क्या दिया वो मैं लिख देता हूं 100 150 180 एंड 250 ओके टोटल एक्सपेंडिचर क्या दिया है 400 500 600 1080 एंड 1000 ओके अभी प्राइस दिया हुआ है 2000 मतलब किसका है 2015 का 120 160 200 300 720 600 800 1000 1200 ठीक है ये हमें दिया हुआ है गॉट इट अभी कैसे करना है चलो अभी हम लोग इसको टेबल को जैसे हम लोग रेगुलरली करते हैं आइटम ए बी सी डी ई ओके प्राइस ऑफ 2014 देखो ये 2014 का प्राइस दिया हुआ है तो क्या हुआ पी जीरो क्या हुआ पी जीरो उसके बाद कौन सा कॉलम बनना चाहिए क्यू जीरो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लिख सकते क्या लिखना है क्यू जीरो फिर प्राइस ऑफ 2015 मतलब क्या हुआ पी वन और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है तो टोटल एक्सपेंडिचर नहीं लिखना है हमें क्या लिखना है क्यू वन ओके अभी ओके नाउ प्राइस जो दिया है वो तो एज इट इज आएगा 100 150 180 250 ओके नाउ ये जो पी वन वाला है 120 160 200 300 ओके अभी हमें प्राइस दिया हुआ है मिसिंग क्या है क्वांटिटी मिसिंग क्या है क्वांटिटी तो 400 डिवाइडेड बाय 100 है 100 डिवाइडेड बाय 400 नहीं करना है 400 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 4 500 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 5 600 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज 4 1080 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज 6 1000 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज 4 720 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 6 600 डिवाइडेड बाय 120 दैट इज 5 800 डिवाइडेड बाय 160 दैट इज 5 1000 डिवाइडेड बाय 200 That is 5 once again and 1200 divided by 300 that is 4 find क्या करना है हमें find पार्शे and फिशर index number ठीक है ये दो सम मैं जो आपको भेजूंगा फोटोग्राफ वो तो करने साथ में और दो सम मैं आपको भेजूंगा क्लियर टोटल 4 सम होंगे ये मैं अभी आपको बोल रहा हूं तो वो मैं दो सम बाद में भेजूंगा दो सम के ये हमें आपको कंप्लीट करना है ये पूरा टेबल आपको क्या क्या फाइंड करना है वो आपको पता है बाकी क्या नॉर्मल ही करना है पी वन क्यू जीरो वो सब जो करना है वो तो करना ही है ठीक है पार्शे एंड फिशर इंडेक्स नंबर करना है पार्शे फिशर करना है पार्शे बोले तो लास्ट में क्या लास्ट में बाय डिफॉल्ट करना ही पड़ेगा फिशर के लिए ओके क्लियर
ये पूरा सम 5 मार्क के लिए है, पूरा जब कंप्लीट कर दोगे तो 5 मार्क आपको तब मिलेंगे, तब जाके मिलेगा। गॉट इट? क्लियर? चलो ये मैं आज के लिए इतना ही करवा रहा हूं। और एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहता था, 12th का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। स्टेटस 6 में हाईएस्ट मार्क्स इज 99, ठीक है, आउट ऑफ 100 जो कल आया रिजल्ट उसमें हाईएस्ट मार्क्स 99 है। सेकेंड हाईएस्ट इज 96 एंड थर्ड हाईएस्ट इज 92। 90 के अबाउ 3 लोग है, 80 के अबाउ 1 ही है। पेपर बहुत इजी था, पेपर बहुत इजी था, फिर भी लोगों ने सिली मिस्टेक्स कर की है। जो लोग को बिलो 80 आए उन लोग ने बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स की है। याद रखो एक चीज, सिली मिस्टेक्स जितनी करोगे उतना मार्क्स ज्यादा जाएंगे। टाइम बहुत है स्टेटस 6 में, हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, उसमें पेपर कंप्लीट हो जाता है, बट उसमें सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है हमें। मेक श्योर कि आप जो भी करो, जितना भी करो, वो प्रॉपर करो, गलतियां मत करो। सी, इतनी मेहनत मैं करवा रहा हूँ, ये वीडियो बनाने से पहले मुझे 15 मिनट सोचना पड़ता है कि मैं कैसे वीडियो बनाऊं। उसके बाद आपको फोटोग्राफ, आपको आपका होमवर्क चेक करना, वो हमें पूरा दिन चला जाता है हमारे पास। सो याद रखो एक चीज, समझो कि आपको थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रखना है, दैट्स इट। आप मेहनत कर रहे हो, राइट ट्रैक में जा रहे हो, गो अहेड। अभी तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। उसका रिवीजन भी आपको ही करना है। जब ये चारों चार चैप्टर ये फर्स्ट पार्ट के कंप्लीट होंगे, तब मैं 5 मार्कर की 100 सम्स की एक शीट दूंगा मैं आपको, 100 and 105 जितने सम्स की शीट दूंगा। वो करोगे तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। दिमाग में बिठा के रखो कि मेहनत करनी है, दैट्स इट। ये साल, दिस ईयर आई एम एक्सपेक्टिंग मिनिमम 1 or 2 स्टूडेंट्स टू गेट 100 out of 100 इन स्टेटस 6। उतनी मेहनत करनी है हमें, ठीक है। मैं अकेला नहीं बोल रहा कि नहीं मेरे सब्जेक्ट में मेहनत करो, सब सब्जेक्ट में मेहनत करनी है। रिजल्ट पूरे पूरा ओवरऑल मिलने वाला है, एक सब्जेक्ट का नहीं मिलने वाला। कंप्यूटर में बहुत खराब मार्क्स है स्टूडेंट्स के, कंप्यूटर में ग्रेसिंग मिला है, ग्रेसिंग 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क, ऐसा ग्रेसिंग मिला है। पूरा मार्कशीट अच्छी है, 65-70 और ग्रेसिंग में कंप्यूटर में 28+5, वो बहुत खराब हालत होगी। जो लोग ने एसपीसीसी लिया है, उनके सेक्रेटरी प्रैक्टिस, उनके लिए बेनिफिट है कि उनको मार्क्स मिल रहे हैं। हमारा रिजल्ट आपको मिल चुका है कि हम लोग ने आपको भेजा है कि भाई लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स से क्या क्या रिजल्ट आए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये साल और अच्छा रिजल्ट आए। जब भी कोई भी डाउट हो आपको स्टेटस 6 में, कोई भी कहीं पे भी डाउट हो, यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर कभी भी कॉल करें, सर डाउट है कॉल करूं मैं आपको, मैसेज करते मैं बात करता हूं। करो, प्रैक्टिस करोगे तब जाके रिजल्ट मिलेगा ना। प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे तो रिजल्ट कैसे मिलेगा आपको? मेक श्योर कि आप प्रैक्टिस करते, रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करो। जो आगे का कंप्लीट हो गया है कि FBI CBI कन्वर्जन और FBI टू CBI, CBI टू FBI, वो प्रैक्टिस करो। भले आंसर पता हो आपको, प्रैक्टिस करो। क्यों नहीं आता, क्यों नहीं कर सकते? अभी तो घर पे ही हो, सुबह को भी टाइम हो, अगर स्कूल का टाइम तो कोई 7 to 1 नहीं है आपका टाइम, वो भी कम टाइम होगा ना, तो मेहनत करो प्लीज। इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि स्टैटिस्टिक्स में सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है, वो नहीं करनी है हमें। ओके, थैंक यू। ये होमवर्क जो मैं दे रहा हूं वो शाम को 7 बजे से पहले मुझे चाहिए। ओके, थैंक यू।